अरे आप आ तो जाओ, चढ़ना नहीं है क्या आपको? आइए। तो भाई साहब देखा आपने, मतलब जब तक ट्रेन चलेगी नहीं तब तक हम बैठेंगे नहीं। तीन ना, तो ये गाइस कैसे आप सब, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फिलहाल मैं हूँ रांची रेलवे स्टेशन पे और आज का जो हमारा सफ़र है होने वाला है ट्रेन नंबर 18619 रांची गोडा इंटरसिटी एक्सप्रेस में, जिसमें हम सफ़र करने वाले हैं स्लीपर क्लास में। भाई काफ़ी लंबे समय के बाद आपका भाई स्लीपर क्लास में सफ़र करने वाला है। यह ट्रेन यहाँ से यानी कि रांची रेलवे स्टेशन से 9:30 पर खुलती है, जो कि दूसरे दिन सुबह 9:35 पर आपको पहुँचाती है गोडा। और भाई साहब लगभग 12 घंटे का सफ़र तय करती है ट्रेन, लेकिन हम इस ट्रेन से देवघर तक का सफ़र करने वाले हैं और आई होप कि आपको जर्नी काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो का आप मिस ना कर सकें। फाइनली आपको हमारे पीछे भी दिख रही होगी हमारी ट्रेन और यहाँ से खुलने का जो राइट टाइम है वो है 9:30 पे और यहाँ से हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से खुलने वाली है। मैं अपने कोच पोजिशन की बात करूँ तो S5 में 27, 28 और 29 अपना बोलते हैं, आज हम तीन लोगों का सफर करने वाले हैं। और भाई साहब नाइट जर्नी है तो जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको दिखाऊंगा और बाकी फिर जो मतलब मैं कुछ स्टेशन को स्किप करूंगा और जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा, यानी कि मैं बोकारो तक तो आपको कन्फर्म दिखाने वाला हूँ, बोकारो के बाद हो सकता है कि मैं आपको स्किप करूँ। फिर भी भाई वीडियो में अंत तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अभी टाइम हो चुका है 8:59, 9 बजने वाले हैं, पूरे आधे घंटे में वेट कर रहे हैं और भाई ट्रेन आगे लग चुकी है। इसके बाद भी भाई मतलब गेट वगैरह खुला नहीं है फिर भी खिड़की से अंदर जा रहे हैं। चलो अभी आपको चलते हैं आगे, आगे चल के आपको दिखाते हैं जो इसका इंटीरियर है। तो भाई फाइनली समय आ चुका था कि मैं आपको स्लीपर का इंटीरियर दिखाऊं। सामने आपको दिख रहा होगा एक मिरर आपको दिख जाता है, उसके जस्ट नीचे में आपको वॉश बेसिन मिल जाता है और भाई पानी बिल्कुल आ रहा है और यहाँ पे डस्टबिन हालांकि होना चाहिए था लेकिन इसमें डस्टबिन है नहीं। चलिए आ जाइए। और मैं अगर आपको बाथरूम का कंडीशन दिखाऊं तो आप देख सकते हो बाथरूम में भी भाई साहब आपको यहाँ पे एक मिरर मिल जाता है, उसके नीचे वॉश बेसिन है जो कि जाम है भाई, पानी अभी भी लगा हुआ है। तो आप समझ लो कि ट्रेन खुलने से पहले ये हालत है तो बाद में क्या हालत होगा। आगे चलते हैं अपने सीट की तरफ। अरे आप आ तो जाओ, चढ़ना नहीं है क्या आपको? आइए। तो भाई साहब देखा आपने, मतलब जब तक ट्रेन चलेगी नहीं तब तक हम बैठेंगे नहीं। राइट नाउ द टाइम इज 9:30 और हमारी ट्रेन ऑन टाइम यहाँ से निकल चुकी है और ये व्यू है भाई साहब रांची का। मैं काफ़ी लंबे वक्त के बाद ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ, वो भी रांची से। अपने निर्धारित समय पे 10:35 पे अभी हम पहुंच चुके हैं मूरी और यहाँ पे हमारी ट्रेन का टोटल 2 मिनट का होल्ट है। हमें आपको एक अपडेट देना था कि इस ट्रेन में यानी जिस ट्रेन में अभी हम सफ़र कर रहे हैं इसमें पेंट्री कोच नहीं है भाई, तो अगर आप सफ़र करते हो तो अपने खाने पीने का जो व्यवस्था है आप ले कर चलना, ट्रेन में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर इससे पहले आप सफ़र किए हैं तो आपको इसका एक्सपीरियंस पता होगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जर्नी कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खाने का जो भी सामान होता है आप अपने साथ ले कर चलें। तो 2 मिनट यहाँ पे समय लगेंगे, इसके बाद हम यहाँ से चलेंगे आगे की ओर। वीडियो के यहाँ तक देख चुके हैं, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी चलते हैं अपने सीट की तरफ, हम मिलते हैं फिर बोकारो में।
समय हो चुके हैं 11:33 और हम पहुंच चुके हैं बोकारो। यहाँ पे पहुंचने का टाइमिंग था 11:40 पे और यहाँ पे हमारी ट्रेन का होल्ड 5 मिनट का था, लेकिन भाई हम समय से 6 मिनट बिफोर हैं तो लगभग 11 मिनट हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। और बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है, बेसिकली सिटी को ही स्टील सिटी के नाम जाना जाता है। अगर आप इस रूट से ट्रैवल किए होंगे तो बोकारो के बारे में अगर आप जानते हैं, या फिर अगर आप बोकारो से वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप बोकारो से हैं। बाकी भाई चलते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, खाने पीने को अगर मिल जाता है तो कुछ ले लेते हैं, चाय वगैरह। हालाँकि जहाँ पे हम लोग के बर्थ के सामने में भाई कोई भी टी स्टॉल नहीं है, तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने होंगे और हम लोगों के पास काफ़ी सफिशियंट टाइम है तो हम जाके ले सकते हैं। चलिए इसके बाद फिर अगर कोई स्टेशन पे हम रुकते हैं तो आपको दिखाते हैं, तो फिर सीधा मिलेंगे हम आपसे जसीडीह पहुँचने के बाद। तो फाइनली समय चुका है 11:46 और हमारी ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है। और पीछे का हालांकि मैं क्लिप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि अपने साथ अभी एक पंगा हो चुका था। जो RPF की लेडीज़ कॉन्स्टेबल होती है वो यहाँ पे थी अभी, तो उनको ये लगा कि जो मैं वीडियो कर रहा हूँ वो पूरा प्लेटफॉर्म का कर रहा हूँ और प्लेटफॉर्म का वीडियो करना अलाउ नहीं होता है। तो उन्होंने यार अपने सीनियर को बुला लिया, सीनियर को बुलाने के बाद फिर उन्होंने देखा कि नहीं मैं ब्लॉगिंग कर रहा था, उन्होंने मेरा कैमरा भी चेक किया तो उन्हें लगा कि नहीं ये बिल्कुल जेन्युइन है और मैं अपना वीडियो कर रहा था। मैं स्टेशन से उतर कर आपको जो जानकारी आपने पीछे देखा, मैं अपना वीडियो कर रहा था कि मैं फिलहाल अभी बोकारो स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ। ये चीज़ उन्हें ऐसा लगा कि मैं जो स्टेशन है उसका वीडियो कर रहा हूँ। तो भाई ये सब प्रॉब्लम है जो कि हमें फेस करना पड़ता है, और हालाँकि कोई इशू हुआ नहीं, हम लोग बैठ चुके हैं वापस से। और भाई जो इनकम्प्लीट रह चुका था पीछे का बात, मैं बता दूं कि मैं अब यहाँ के बाद सीधा मैं आपको जसीडीह में मिलने वाला हूँ, क्योंकि भाई बाहर आप देखते तो रात पूरा हो चुका है और बाहर भी कुछ भी दिखाना अभी पॉसिबल नहीं है। तो तब तक मुझे सॉरी भी और गुड नाइट, मिलते हैं सुबह में जसीडीह पहुँचने के बाद। और जी फाइनली समय हो चुके हैं 5:33 और हम पहुँच चुके हैं जसीडीह। हालांकि हमारे जितने भी कोच में लगभग पैसेंजर जो थे वो यहीं उतरने वाले थे, तो अपनी कोच वगैरह बिल्कुल खाली हो चुकी थी। यहाँ से देवघर के लिए आपको ऑटो लेना होता है। चलो नहीं इधर से एस्केलेटर है, नहीं बंद है, सीधे चलना होगा। ये कहानी है भाई जसीडीह स्टेशन का। बाकी आई होप यहाँ तक की जर्नी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। इसके बाद चलते हैं बाहर की ओर, बाहर चल के देखते हैं कि कौन सी गाड़ी हमें मिलने वाली है और आगे का अपडेट आपको देते रहते हैं।